2 1 सो गाइस मेरे पीछे खड़ी है द ब्रांड न्यू 2024 बजाज पल्सर NS 200 जो हम सबकी फेवरेट मोटरसाइकिल एक टाइम पे रह चुकी है, अभी भी है। यहाँ पे ना आपको कुछ चेंजेस नज़र आते हो, चेंजेस क्या, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, उसके लिए मुझे बाइक को ऑन करना पड़ेगा। ओके सो अभी आपको यहाँ पे कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक रोबोटिक फेस वाला लुक एंड फील दे देता है। आप देख सकते हो इसको काफ़ी ज़्यादा कड़क, रियलिटी में ना बाइक और भी ज़्यादा ब्राइट दिखती है। तो आप जो ना इसका 2X समझ के ही चलेगा। टर्न इंडिकेटर जो रहेंगे आपको मिलेंगे LED में, USD फोक्स मिल जाता है। दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि अभी यहाँ पे आपको ब्लूटूथ डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कम्प्लीट डिजिटल डिस्प्ले, ये देखिए। ओके और यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इसका बूटअप एनिमेशन दिखा दूँ, ये देख रहे हो आप, नेविगेशन अभी दिखाया था। और आपको फ़ोन कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। दिस इज़ द डिस्प्ले, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, ABS का वार्निंग मिल जाएगा, ब्लूटूथ की वार्निंग मिल जाएगी। ये रहे आपकी स्पीड, टाइम, साइड स्टैंड की वार्निंग, RPM मीटर, ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि कितना फ्यूल गियर यहाँ पे। यहाँ पे IFE मिल जाएगा और ये बटन के थ्रू जो है आप इसको टॉगल भी कर सकते हो। फिलहाल हो नहीं रहे, बट डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जैसी सारी की सारी फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दिस इज़ दी ब्रांड न्यू डिस्प्ले। और अभी ना यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, जिसमें अभी मेरा वायर लगा हुआ है, ये देखिए। पर अभी कुछ भी अटैच नहीं है, पर मैं आने के टाइम पे मेरे GoPro को चार्ज कर रहा था। सो ये कुछ 3 नए अपडेट्स आपको इस मोटरसाइकिल से मिल जाते हैं, बाकी ओवरऑल द बाइक इज़ द सेम। सो फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं। सो फ्रंट में ना यहाँ पे आपको USB फोक्स देखने को मिलते हैं, आपको ये फाइबर का मडगार्ड मिल जाएगा, ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लैक कलर का अलॉय व्हील्स मिल जाता है, 200cc का सिंगल सिलेंडर DTSI ट्रिपल स्पार्क लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 24 PS ऑफ पावर एंड 18 Nm ऑफ टॉर्क। जैसे मैंने आपको बताया बाइक में और कुछ भी चेंजेस नहीं है। राइडर फुट पैक, पिलियन फुट पैक, ये रहा इसका कूलेंट। और ये देखिए आप बैश प्लेट, दिस लुक्स नाइस। मेन स्टैंड मिल जाएगा आपको, पीछे टायर हगर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मोनोशॉक्स मिल जाते हैं, और पीछे जो है आपको MRF के टायर्स मिलते हैं, 130/70/17 सेक्शन के टायर्स। फ्रंट में जो है आपको मिलते हैं 190/17 सेक्शन के टायर्स। NS की ब्रांडिंग, ये आपको ये टैंक मिल जाती है, बड़ी सी टैंक, पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। 35 की माइलेज मिल जाएगी, आई थिंक ये 13 या 15 लीटर की टैंक है। यहाँ पे आपको टैंक पैड भी मिल जाता है। सीट्स आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। ओवरऑल बाइक इज़ द सेम, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं। और मैं पीछे से भी आपको एक बार दिखा दूँ, तो पीछे भी आपको LED ब्रेक लाइट्स मिलती है, आपको यहाँ पे सारी गार मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा। सबसे मेन हाईलाइट इस मोटरसाइकिल का ये है कि यहाँ पे आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलती है। और आप इसके हैंडल बार्स को भी देखिए, हैंडल बार्स भी अगर आप इसके स्विचेस को नज़र करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नए वाले स्विचेस मिलते हैं। जो बैक लाइट है, मतलब यहाँ पे रात में बैक लाइट आती है। सिपर क्लच मिल जाएगा, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये रहा इसका पास लाइट, ये है डिस्प्ले के लिए, ये टर्न इंडिकेटर्स, ये हॉर्न, ये इंजन किल स्विच, ये हेडलाइट्स के लिए, और ये पावर का बटन। और यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। सो दिस इज़ द न्यू 2024 एडिशन बजाज पल्सर NS 200, ठीक है दोस्तों। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में, एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में, और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। मैं खूबसूरत बाइक है यार, ये खूबसूरत बाइक है, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको रिव्यू किए हुए। एक टाइम पे ना ये बाइक मेरी फेवरेट हुआ करती थी, ठीक है। चलिए जय श्री राम, मोटर ब्लॉग ऑन है, 180p 60। ओके चलो भाई, वरना कभी कभी मोड चेंज हो जाते हैं, जैसे अपना मूड चेंज होता है इसका मूड चेंज हो जाता है। ये देखिए क्या बात है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के कंफर्ट को लेकर। भाई यहाँ पे वैसे तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बट क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो एक प्रॉपर स्ट्रीट नेकेड वाली लुक एंड फील यहाँ पे आपको मिल जाती है। फुट पैक्स जो है वो रेयर सेटिंग में है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, जिसके वजह से आपको ज़्यादा आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। टैंक का जो ये है बॉडी वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है,
तो काफ़ी मज़े से अंदर बैठे हुए रहते हो, और आपको हल्का सा, अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है 5'10", तो आपको हल्का सा 1-2% आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी वो ग्रिपिंग के लिए। जो बाइक चलाते हैं उसको पता है, मतलब अगर आप थोड़ा आगे यू नो बेंड होते हो तो थोड़ा ग्रिप बढ़ जाता है, तो वैसे उसके लिए है। बाकी इट इज़ अ कम्फर्टेबल सिटिंग पोजिशन, मेरे दोनों पाँव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिकते हैं, मेरी हाइट 5'10" है एंड इस मोटरसाइकिल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी, 5'6" 5'7" है, फिर भी मैनेज हो जाएगा, यहाँ तक कि 5.5 भी मैनेज हो जाएगी सॉरी। खाली एक चीज़ मुझे इसका पसंद नहीं है, इसका हॉर्न, एक्टिवा वाला हॉर्न दे दिया है यार, थोड़ा लाउड हॉर्न दे दिया, आई थिंक सिंगल हॉर्न इसके लिए, बट एनीवेज आप वो तो बाद में भी चेंज करवा सकते हो। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल की हाईलाइट पे, सोनेट जो है वो बहुत स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों। वो है इसका 200cc का लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क इंजन। भाई हम सभी लोग जानते हैं जब ये लॉन्च हुई थी तो इसके आजू बाजू टक्कर वाला कोई भी नहीं था जो ये वाले स्पेसिफिकेशन दे रहा था, और अगर मैं इसके पंच की बात करूं तो अभी भी वो पंच बरकरार है इस मोटरसाइकिल में। काफ़ी ज़्यादा कड़ा टॉर्क जो है ऑन डिमांड है, मिड रेंज है वो भी ऑन डिमांड है, 6,000-7,000 RPM तक तो बाइक तो ऐसे पुल करती है कि क्या ही बताओ, और टॉप स्पीड में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल में। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पावरफुल इंजन, रिफाइनमेंट के साथ साथ यहाँ पर आपको पावर भी मिल जाता है, और पहले के हिसाब से आई थिंक ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, क्योंकि वो जनरेशन चेंज हो रहा है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो इसमें उन लोगों ने किया ही रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है, अच्छा खासा चल जाता है। अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो हल्के फुल्के से फुटपैक्स पे, हैंडल बार्स पे, इनफैक्ट फुटपैक्स पे वो कम है, हैंडल बार्स पे थोड़े से ज़्यादा है, अब वो भी नॉर्मल वाले हैं जो लगते हैं वही है, ठीक है। और बाइक काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई। एक चीज़ है ना मुझे पसंद आई इस मोटरसाइकिल के बारे में कि वो ना बहुत ही लाइट वेट मोटरसाइकिल है, और इंजन ना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, और यू नो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग को और भी अच्छा खासा कर देते हैं। मतलब अगर आपको फ्लिक वगैरह करना है बाइक को, बहुत ही अच्छे से आपको यू नो कॉर्नर वगैरह करना आता है, तो ये मोटरसाइकिल आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी, इनफैक्ट स्टंटर्स के लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। ये देखो टोइंग कर रहे हैं। सो आई थिंक हैंडलिंग जो इस मोटरसाइकिल का वो आपको ना कैसा है मैं बता दूँ, आपको ना इसको संभालना पड़ेगा, आप ना इसके हैंडलिंग पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा बाइक, वरना बाइक आपको कहाँ ना कहाँ कहीं ना कहीं पहुँचा देगी, तो ये वाला इसका हैंडलिंग है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बाइक को तो पकड़ के रखना पड़ता है, वरना बाइक जो थोड़ा जंप वगैरह करना शुरू कर देती है, बट एक प्लस पॉइंट भी है तो माइनस पॉइंट भी है, दोनों है। मतलब अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाती है, हाईवे पर जो आपको थोड़ा सा पकड़ के बैठना पड़ता है यू नो, या तो बॉडी बना लो या तो वजन बढ़ा लो काफ़ी ज़्यादा अगर एकदम ही गंदा जोक था वो, यू टर्न टेस्ट करके देख लेंगे, उससे पहले स्पीड ब्रेकर आ चुका है, जय 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 श्री राम भाई। इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो मीडियम सेटिंग पर रखे हुए हैं, ये देखिए नो इश्यूज एट ऑल, कड़क आंटी को यू टर्न लेना है, ठीक है। ये देखिए 7,000 RPM के बाद जूम करके जाती है बाइक, ब्रेक्स पे आ जाते हैं, पीछे से कोई नहीं आ रहा है, अरे भाई 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 फ्रंट ब्रेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ओह माय गॉड। अरे ब्रेक भी देख लेते हैं, मैं कोशिश करूँगा फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल ना करूँ, पर अगर इमरजेंसी हुई, ओके नॉट बैड भाई, पीछे का ब्रेक इज ऑल्सो नॉट बैड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फ्रंट ब्रेक इतना स्ट्रांग है, बट बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ओए 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 ओए, और एग्जॉस्ट नोट आपके कानों तक आने वाला है, तो आपको उसकी चिंता नहीं है कि भाई मेरा बाइक लाउड नहीं है, बाइक बॉय बहुत ज़्यादा लाउड है, और साइड में मिरर्स भी जो अच्छा खासा व्यू देते हैं, वाइब्रेट नहीं करते। और गाइस आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है ऑन द बजाज पल्सर NS200। फाइनल वर्डिक्ट भाई, आई थिंक 200cc के सेगमेंट में अभी भी ये लिक्विड कूलिंग वाला जो फीचर है वो अभी भी काफ़ी मोटरसाइकिल्स में अवेलेबल नहीं है, आई एम नॉट श्योर, 200cc में आई थिंक है ही नहीं। सो अगर आपको एक रॉ पावर वाला मोटरसाइकिल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको बैठ के बाइक को फन मज़े से चलाना है, लुक्स तो आई थिंक LED जो है उस बाइक को, मैं मेरी पर्सनल मानो ये LED लाइट्स बाइक को और भी ज़्यादा एनहेंस करती है इसके लुक्स को, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस मोटरसाइकिल आउट।
तो जैसे मैं आपको बता रहा था, पावर से मतलब है, बाकी आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं, आपको प्योर फन करना है। गुड लुक्स वाली मोटरसाइकिल चाहिए 200 सीसी सेगमेंट में लिक्विड कूलिंग। आई थिंक अभी भी ये जो है मोटरसाइकिल आप ले सकते हो विद ऑल दिस अपडेट्स। अभी तो इसमें ब्लूटूथ वगैरह भी आ गए, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, वो बात की बात है, अपन देखेंगे। आप कॉमेंट करके बता सकते हो अगर आपकी बाइक में ब्लूटूथ ऐप यूज़ करते हो या नहीं। ठीक है दोस्त, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ये देखिए 250 और ये 200। जीतेगा कौन, कमज़ोर कड़ी कौन।